मुझे लगता है मैं ये सब मेडल्स और प्रमोशन के लिए कर रहा हूं। जब से तू गई है ना, तेरे साथ ही रहा हूं। हंसा, रोया, बड़ा हुआ, सिर्फ तेरी यादों के साथ। सत्य को अपना दुश्मन मान लिया, सीक्रेट सर्विस ज्वाइन कर ली। मैं तेरे लिए तो जिया हुआ है। तुझे लगता है कि मैं ये सब मेडल्स प्रमोशन के लिए कर रहा हूं? क्या फायदा है एकलव्य, क्यों किया ये सब? कौन हूं मैं तेरी? यू डोंट नो मी एनीथिंग। है ना, ये मेरी आंखों में देखो और बोल दो मुझे, एकलव्य तू मेरा कुछ नहीं लगता। बोल, बोल ना। मेरा दोस्त ही क्या सब कभी नहीं करता। ये जो मेरे सामने है ना, ये एकलव्य है, सीक्रेट एजेंट एकलव्य। सब खत्म कर दिया है यार तूने। फाइन, इट्स ओवर, राइट? इट्स ओवर। तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। तुम्हारे बाबा खूनी हैं और उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। ठीक है, तो फिर उनके साथ मुझे भी डाल देना जेल में, उनका साथ देने के लिए। यही चाहता है ना तू? क्यों ना डालूं उन्हें जेल में? और क्या सबूत चाहिए तुम्हें? Everybody, evidence points towards him. Forensic report. अरे तन्मय के नाखूनों तक में उनका डीएनए मिला। तेरे इन सारे सबूतों पर मैं सवाल उठा सकती हूँ, ये तो अच्छी तरह जानता है। जिस डीएनए की तू बात कर रहा है ना, हो सकता है कि तन्मय को किडनैप करते वक्त हाथापाई हुई हो और तब उसके नाखूनों में बाबा का डीएनए चला गया। सबूत हर बार सच नहीं होते। तो बहस ही करना फजूल है। और तुम्हारी कोशिश है। आई होप बाबा तुम्हारी बात मानकर बाहर ना आए। वो तुम्हें कभी ना मिले एकलव्य। वो आएंगे आर्या, वो जरूर आएंगे। तुम्हें खतरे में देख कोई रिस्क लेने का पैतरा भी नहीं। थैंक यू। Gonna come. Unknown number. Most likely tumhare baba hi honge. Main ye nahi karna chahta. I'm sorry, Arya. Hello. Kahan hai? मुंबई पुणे बॉर्डर पुरघाट पास। आप सरेंडर कर दीजिए अगर आप आर्या से मिलना चाहते हैं, वरना आप उसे कभी भी नहीं मिल पाएंगे। द चॉइस इज योर्स। अंकुश राजवटकर। मैं आ रहा हूं। दिल में जो है ना, इस घाव के आगे कुछ भी नहीं। पापा, बस इसकी बात में आकर बाबा यहाँ ना आ जाए। हाँ तो पता लगाओ ना, आसपास के सीसीटीवी कैमरा है उनको चेक करो, लोगों को पूछो। देखो ये जब तक मेरे को मालूम नहीं गिरेगा ना, माय चैन से बैठने नहीं वाला है। हाँ तो करो इसको जल्दी। मेरी कोख में था तब भी इसने कभी मुझे परेशान नहीं किया। जैसे पहले से हम एक टीम थे। इसके आने की एक खुशी थी, एक ऊर्जा थी। ऐसा लगने लगा था
जैसे अब मेरा भी कोई अपना होगा, मेरा सगा। लेकिन अब इसके जाने से लग रहा है जैसे मेरे सब चला गए। वो खुशी, वो ऊर्जा, वो रिश्ता, जाते जाते मेरा सब ले गया साहिब, खाली कर गया मुझे। मेरी कोख, मेरी गोद, मेरी जिंदगी सब खाली कर। ऐसा तो इतने जल्दी हार मान जाएगी, ऐसा चलेगा? तन्मय के कातिल को पकड़ना है ना, बदला लेने का है उससे, बेशक तो हार नहीं मान सकती है। मतलब थोड़ा सा लेट हो गया, मेरे को टाइम लग गया, लेकिन अभी नहीं, इसलिए तो वो छोकरी को भी ढूंढ रहा हूँ। जला दूंगी उसे, मार दूंगी उस आदमी को जिसने मेरे तन्मय को मारा है, और ऐसी मौत दूंगी कि उस दिन को रोएगा जिस दिन वो पैदा हुआ था। तड़प तड़प के मरेगा, एक माँ की प्यार लगेगी उसे। हम मारेंगे साहिब उसे, हम। आज दिन के अंत तक तन्मय के कातिल को मैं आपके साथ रखूंगी। क्या कर रही थी तुम? ध्यान से चलो, ये दर्द चले गए थे आप मुझे छोड़ के, क्यों चले गए थे? अंकल आ गए। आ गए हूँ वापस साहिब। बाबा पापा, नहीं ना कसा सा तू कशियास। मेरे हाथ से प्रसाद खाओगी ना? भाई
तूने मारा ना अंकुश को? बता दो किसने मारा अंकुश को? ए, हट, हट, हट। मेरा भाई, मेरा भाई वापस आ गया। मेरा भाई वापस आ गया। मेरा अंकुश कैसा है? ए कस्तूरी, ये देख, मेरा अंकुश वापस आ गया, वो भी जिंदा। ये है ना, मौत को चकमा देके वापस आया है। तो मामूली बात नहीं है, और ये मेरे को हमेशा धमकी देने का, क्या वो, हाँ फिनिश कर देगा मैं तेरे को, ऐसा बोलता था। आज कर दिया ना इसने फिनिश। ले ले, तूने मेरी बेटी की जान, मार डाला उसको। बनता है, थोड़ा पार्टी बिट्टी करेंगे ना। अंकुश आया है, ए डीजे को बुला, पार्टी बनाएंगे बाहर, उधर अपुन नाचेंगे सब लोग। बुला बुला बुला, सबको बुला, अंकुश वापस आया है। वाह, क्यों मारा मेरे बेटी को? ए बोल, मेरे औलाद को काय को मारा? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.